तकदीरों से बनकर प्यारी है जिंदगी है प्यार के बंदे सभी दिल की सुने दिल की कहे कुछ भी हो सपने सब अपने कौन यहाँ बेगाने हैं नई गली का नया है नुक्कड़ लेकिन यार पुराने हैं नुक्कड़ अपुन सेठ के साथ तेरा मीटिंग फिक्स कर दिया है तू क्या करने का है जूते का सैंपल लेके अपुन के साथ चलने का तेरा काम नक्की होएगा मैं बोला ना मतलब हरी भाई अपुन की लाइफ भी बदल जाएगी गुंडो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचने का अभी सिर्फ अपनी भतीजी मुन्नी के बारे में सोचने का क्या क्या बोलता है हरी भाई गुंडू का लाइफ का मतलब इस मुन्नी का लाइफ है ना कितनी प्यारी बच्ची है काश अपनी भी ऐसी एक बेटी होती साहब हाँ चलो खाना तैयार है खा लेते हैं ये बच्ची कौन है हमारे नुक्कड़ की एक इकलौती बेटी मुन्नी इस नुक्कड़ की तो ये जान है इसके माता पिता क्या करते हैं बेचारी अनाथ है हरी भाई तुम्हारी मदद से अपुन की गरीबी का दुख अब मुन्नी नहीं झेलेंगी अपुन जम के कमाएगा और अपन अपनी मुन्नी को एक रईस बाप की बेटी की तरह पालेगा अभी कविता बंद अभी मुन्नी सवाल जवाब करेगी अच्छा गोपी तू पहला सवाल कर आया आया मुन्नी तेरे को क्या पूछू मैं अच्छा था आया मुन्नी एक बार बता अपने इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश बम्बई में काई को होती है खोपड़ी चाचा इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश बम्बई में नहीं होता है ए, 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 मुन्नी मेरे को मालूम बोल घंटू चाचा जयपुर में जयपुर में नहीं होता है तो तू कहाँ चेरापूंजी में होता है जो मुंह में आने का वो बोलने का बेटा ये दुखिया भाई तुम्हारा कटिंग और ये मुन्नी का कटिंग दूध अरे मुन्नी कादर चाचा दूध में पानी मिलाता है या नहीं इसके बारे में हम कैसे पता लगाए लैक्टोमीटर से दूध और पानी का पता चल जाता है ये इसने सॉलिड ठोका है क्या बोला लैक्टोटामीटर पोट नुक्कड़ वाला भी मुन्नी को एंटरटेनमेंट समझ लिया बिना टिकट का कुछ कुछ सवाल पूछते हैं वो भी कुछ कुछ जवाब देती है बस टाइम पास होता है इनका सबका अपन अभी जाके देखता सब एक गुंडू अभी ये सब तू जाने दे सैंपल निकालना सेठ को मिलने जाने का चल सैंपल निकाल सैंपल तैयार है भाई अपन अभी आता है एक गुंडो आया मुन्नी अभी तीसरा सवाल बता कि ताजमहल किधर है इसका जवाब मैं देता हूँ तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक बच्ची का लाइफ खराब करते हुए उल्टे सीधे सवाल से बच्ची पर गलत असर पड़ेगा कि नहीं और इसको देख दस तक की गिनती आती नहीं पर जो कुछ भी पूछोगे जवाब हाजिर है अरे तेरे चाचा को जब उन सवालों का जवाब नहीं मालूम है तो तुझे कैसे मालूम हुआ इन सबके चक्कर में तुम झूठ बोलना भी सीख गई है अरे गुंडू छोड़ो मुन्नी को ये बिल्कुल सही जवाब दे रही है हाँ? क्या? अरे? अरे मुन्नी बेटे बताओ तो तुमने ये सब कहाँ से सीखा टीचर जी आप लड़कों को अपने घर में सिखाते ना तभी मैं बाहर खड़ी होकर सब सीख लेती हूँ बाप रे बाप जब ये स्कूल के अंदर घुसेगी तब क्या करेगी टीचर जी अरे तब ये कमाल करेगी अरे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे 100 में बस 2-4 ही होते हैं सचमुच ये बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है इसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए हरेश अपनी मुन्नी को सिर्फ अच्छे स्कूल में नहीं अच्छों में जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा ना वहाँ भर्ती करवाऊंगा देखिए सिर्फ अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने से कुछ नहीं होता बच्चे की सही डेवलपमेंट के लिए माहौल भी तो अच्छा होना चाहिए उसकी फिक्र आप मत कीजिए मैं अपनी मुन्नी के लिए ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि तुम सब लोग देखते रह जाओगे वाह भाई वाह
बहुत बढ़िया, अच्छा है। नमूना के मॉडल तो बहुत अच्छा है। हिला दरवाजे के बाहर देख के अच्छा अच्छा आदमी की नियत खराब हो जाए। ऐसा है भाई कुंडू के हमर करा काम के तो कोई कमी नहीं, और अब तो हमला एक बहुत बड़ा कंपनी से 40,000 जोड़ जूता बनाए के ऑर्डर मिले। 40,000? ऐसा है भाई कि तोला में हा एक जोड़ के 20 रुपए दे हूं। 20 रुपया? जी। रविवार तक ते हा मुला 20 जोड़ जूता के अपर लान दे, और जोन तोला कच्चा सामान चमड़ा उमड़ा चाहिए गोदाम से उठा ले। जी जी सर जी। हाँ जी, शुक्रिया सर जी। मुन्नी चाचा मैं यहाँ हूँ। मुन्नी चाचा मैं यहाँ हूँ। चाचा 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 चाचा, उस आंटी ने मुझे कितनी बड़ी गुड़िया दी, कितनी प्यारी है ना, और इसके बाल कितने अच्छे, और ये नया नया फ्रॉक भी दिया, और इतनी मिठाई खिलाई। मुन्नी बेटे देखो देखो, किसी दूसरे की चीज नहीं लिया करते, जाओ जाओ उनको वापस कराओ। नहीं मैं नहीं दूंगी। मुन्नी इधर आओ इधर आओ। चाचा की बात नहीं मानोगी क्या है? मैं तुम्हें दूसरी गुड़िया ला कर दूंगा। पहले दो। ये देखो ये देखो ये देखो, अच्छी है ना? ये कोई गुड़िया है? कितनी छोटी है, और इसके बाल भी अच्छे नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी है, इसके बाल भी अच्छे हैं। मुझे ऐसी गुड़िया नहीं चाहिए, कितनी गंदी है, मैं नहीं लूंगी ऐसी गुड़िया। आंटी आंटी आंटी। वो अपन को नीचे बोला कि बुलाया कर। बैठो ना गुरु, बैठो। गुरु ये है मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, हमारे मेहमान हैं, सूरत से आए हैं कुछ 4-5 रोज के लिए। गुरु ये लोग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर कापड़िया आप खुद ही बात कर लीजिए ना। आओ बेटी। गुरु मिस्टर मिसेस खन्ना को शादी किए 14 साल हुए, लेकिन आज तक संतान का मुंह नहीं देखा। ये दोनों चाहते हैं कि मुन्नी को गोद लें। क्या बोलता है तुम? आप लोग मुन्नी को गोद लेना? जी जी, जी हाँ भाई साहब, मैं वादा करती हूँ मुन्नी को मैं अपनी कलेजे से लगा कर रखूंगी, उसे जिंदगी की सारी खुशियां दूंगी। मैं तो कहती हूँ कि मुन्नी जितनी टैलेंटेड है उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिले, एक अच्छा माहौल मिले। अपन मानता है कि आप लोग मुन्नी को सब खुशी दे सकता है, और मुन्नी को मिलना भी मांगता है, पर मुन्नी कुंडू की जान है। कोई आदमी को अपने जान से अलग होने को कैसा बोल सकता है, और कौन बोलेगा? देखिए मैंने आपको भाई कहा है, क्या आप बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप लोग बोलता है तो ठीक है, अपन कुंडू से बात करके देखता है। क्या बोल रहा गुरु? बराबर बोलता है कादर भाई, पर अभी तुम लोग सब बताओ तुम लोग की क्या राय है। बाबूजी मेरे हिसाब से तो मुन्नी के लिए गोल्डन चांस एकदम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ अभी चल के बात करनी चाहिए। अभी चलो, चलो गुरु चलो। आया गुरु भाई, आई भाई, आप भी आई। कुंडू अरे क्या गुरु, आज अखा नुक्कड़ कुंडू मोची के दरबार में आ गेला। हाँ कुंडू, तेरे वास्ते एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है गुरु? वो कपाड़िया जी के घर पे मेहमान आया ना। हाँ तो क्या गुरु? उन लोग मुन्नी को गोद लेना चाहते हैं।
क्या एक खुशखबरी है कि आप उनके मुंह पे तमाचा है? ये तो क्या बोल रहा है कुंडू? क्या बोल रहा हूं? सही तो बोल रहा हूं। अरे मुन्नी का चाचा मर गया है क्या, जो कोई दूसरा उसको गोद लेना चाहता है? उन सब तो मुन्नी की भलाई के बारे में सोच रहे थे। अरे मुन्नी का फिकर तुम लोगों से ज्यादा अपुन को है। देखो देखो, जूते का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। ए हरी, बोल ले इनको। दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है काय को? क्या अपनी बच्ची को दूसरे घर में हकालने के वास्ते? और देखिए देखिए आप लोग, संतान का सुख नसीब से मिलता है। अगर तुम्हारे नसीब में संतान सुख नहीं है तो सबर करो, किसी गरीब के बेटी पर नजर मत गड़ाओ। गुरु, तुम लोगों की शिकायत जायज है। अपुन के पास मुन्नी दुखी है, पर देखना वो दिन दूर नहीं जब यही कुंडू मोची अपनी मुन्नी को कहां से कहां पहुंचा देगा। अरे बड़े से बड़े रईस के बच्चे भी उसकी जिंदगी को देखकर तरसेंगे। करने आए थे जरा से गुड़िया रानी, तू शादी करेगी? हाँ हाँ बोल रही है, मगर तेरे लिए मैं गुड्डा राजा कहाँ से लाऊं? तेरी मुन्नी माँ गरीब है ना। कौन कहता है कि मेरी मुन्नी रानी गरीब है? ये देख गुड़िया। वाह इतनी बड़ी गुड़िया। और ये फ्रॉक देख, अच्छी है ना? अच्छा ये बताओ बेटे, ये गुड़िया अच्छी है या ये वाली? ये गुड़िया अच्छी है, ये बेकार है। अच्छा ये फ्रॉक अच्छा है या ये वाला? ये वाला फ्रॉक अच्छा है। नहीं बेटे, अब उनसे कोई चीज तो नहीं लोगी ना? नहीं लूंगी चाचा। चाचा मुझे एक साइकिल लाके दोगे? हाँ तुम जो जो मांगोगी सब लाके दूंगा। अच्छा तू यहाँ खेल, मुझे बहुत काम करना। हाँ तू खेल, मैं काम करता हूँ। पागल हो गया, इस तरह जानवर की तरह दिन रात काम कर रहा है। अरे भाई कुंडू मोची क्या चीज है ये सबको दिखा देगा। अब उनके मुन्नी को गोद दिलवाने आए थे। हाँ कुंडू, उनके दिल में तो भले की बात। रात बहुत हो गई हरी भाई, अब जाके सो जाओ, अब उनको बहुत काम करने का है और कल सेठ जी को माल भी देने का है ना। हाँ अच्छा भाई, मेरी मुन्नी को गोद लेने आए थे। सेठ जी पर एक बात है, आप बोले थे शनिवार तक 20 जोड़ी अपर चाहिए, अपना कुंडू 27 बना के लाया सेठ जी। ठीक कहा था, मैं आ कुंडू जैसे कारीगर नहीं देखे हूं भैया। भैया कुंडू तोर 20 के हिसाब से तो 27 जोड़ी अपर के हो जाते 540 रुपया। ये तुम्हारे 540 रुपए। सेठ जी इस बार कम से कम 100 जोड़ी का माल दिलवाइएगा। कुंडू अब मैं तुला और काम नहीं दे सका। क्यों सेठ जी? हरी वो कहा है हरी के जो 40,000 के ऑर्डर रही से वो कैंसिल हो गए। सेठ जी अपने कुंडू का क्या होएगा? अब खा करो भैया, मैं हाथ खुदे टूटे बैठा हूं, मुरकरा और कोई काम नहीं। अरे कुंडू कहाँ हो गए? अरे कुंडू की हिम्मत और मेहनत देख के तो अपना तो दिल जीत लिया उसने, आखिर मुन्नी को नुक्कड़ पे रख ही लिया ना। अरे कुंडू आना बैठना, तेरी तारीफ कर रहे थे अपन लोग। गुरु तुमसे एक बात करनी है। गुरु अरे एक बात क्या, हजार बात करना, अपन सब सुनने को तैयार है। अरे बोल कुंडू बोल, चमड़ा बिगड़ेगा तो अपने को बोल, अपन तेरे को मदद करने को एकदम तैयार। चमड़ा तराशने में मैं आपकी मदद करूंगा मियां। हां नहीं कुछ मदद नहीं चाहिए, बस गुरु
मेहरबानी करके मुन्नी के वास्ते उन लोगों को हाँ बोल दो। कुंडू ये तो क्या बोल रहा है? हाँ गुरु, अपुन ने बहुत कोशिश किया, कुंडू मेहनत से नहीं हारा, हिम्मत से नहीं हारा, पर तकदीर से हार गया गुरु, तकदीर से हार गया। गुरु सेठ का ऑर्डर कैंसिल हो गया। गुरु तू जा, मुन्नी को उनके साथ भेज दे। गुरु मुन्नी के लिए वही अच्छा है। गुरु क्या या? क्या कह रहे हैं आप? आप लोग के साथ अपोलो का मुन्नी बन जाएगा। भाई साहब हरी, कुंडू अभी तक नहीं आया? आ रहा है। नहीं चाचा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी। अभी रोती क्यों? तू वहां बहुत बड़े घर में रहेगी, वहां तुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, मिठाइयां मिलेंगी, और इधर इधर तेरे चाचा बस क्या आए, सूखी रोटी और फटे हुए कपड़े। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, मैं इधर ही रहूंगी। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा, चाचा, मैं आपके साथ रहूंगी। चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। गुरु अंकल बोलो ना इसको। चाचा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। बोलो इनको यहाँ से चले जाओ। जाते क्यों नहीं है आप लोग? आप लोग नहीं जाते तो मैं जाता हूँ। गुरु ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है। अरे कुंडू क्या हुआ? टीचर जी, टीचर जी, अपन मुन्नी की याद में पागल हो रहा है। जिधर भी देखता है मुन्नी नजर आती है, बाजार में, स्टेशन पर, नुक्कड़ में। कुंडू भाई, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम मुन्नी की याद को भुला दो। आप सही कह रहे हैं टीचर जी, मुझे मुन्नी को भुलाना पड़ेगा। चाचा, मेरी मुन्नी, टीचर जी, मेरी मुन्नी, गुरु, मेरी मुन्नी। टीचर जी,
ये लोग तो मेरी मुन्नी को ले गए थे ना? ले जाने की कोशिश की थी, मगर तुमने देखा ना हमारी गोद में आते ही वो कैसे रोने लग गए। और गोद तो वही अच्छी जिसमें रोता बच्चा भी चुप हो जाए। हाँ बराबर बोला, अपन सब मुन्नी का टैलेंट इधर नुक्कड़ पर ही चुभारेगा। अरे हाँ मुन्नी, तूने मेरे को तीसरे सवाल का जवाब तो दिया ही, इसलिए बता ताजमहल किधर आया? हाँ भोपाल में। अरे मुन्नी, इतने आसान सवाल का जवाब नहीं पता तुझे? टीचर जी, अगर मैं सही जवाब दूंगी ना तो वे लोग मुझे फिर कहीं भेज देंगे। नहीं मुन्नी, हम लोग अभी तेरे को कहीं नहीं भेजेंगे, तू इधर ही नुक्कड़।